जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरु जी कहते हैं बेटी अपना शुक्राना करो। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं। कौन सा शुक्राना सत्संग है ये मुझे याद नहीं। बस जब मुझे गुरु जी की आज्ञा होती है, कई बार मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाती। कहीं घर गृहस्थी में बिजी होने के साथ अपने सत्संग उसी टाइम शेयर नहीं कर पाती। पर जब मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आता है तो मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत पुरानी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। जब गुरु जी कहते हैं कुड़िए तेरे कर्म काटे हैं, जब मेरे कर्म कट जाएंगे और मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो गुरु जी मेरी ज़िंदगी में हर पल कुछ ना कुछ सत्संग करते ही रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अभी कुछ दिन पहले मुझे बॉडी में मतलब बड़ी परेशानी हो रही थी। मुझे ऐसे मैं रात को लेटी थी तो मुझे ऐसे दिल में दर्द होने लगा और बैक में दर्द चलने लगा, तो मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। तो मैंने मतलब सुना है किसी को ऐसे अटैक वाले सिम्टम्स आने के चांस हो, मुझे पता नहीं वो क्या था। तो मैं उठ के रूम में तेज़ तेज़ चलने लग गई और मैंने गुरु का को याद किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु का अपनी बेटी की रक्षा करो। 5 से 7 मिनट में बहुत तेज़ तेज़ रूम में चलती रही और मेरा वो दर्द एकदम शांत हो गया। अगले दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे शरीर पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया और टाल दिया तेरे ऊपर आने से। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी परेशानी मेरे ऊपर आने वाली थी आपने उससे मुझे बचा लिया। गुरु जी ने मेरी बहुत बार रक्षा की है। मेरे ऊपर कुछ मेरी ससुराल पक्ष के लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है जिसकी वजह से मैं बड़ी बीमार रहती हूँ। मतलब मुझे डायबिटिक हूँ और पता नहीं उन लोगों ने, गुरु जी मुझे बताते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रखी है और इस सब कांड में 7 लोग शामिल हैं। मेरे ससुराल वाली, मेरी सास, मेरी ननद और एक हमारे घर में आने वाली औरत है जो पंजाब से संबंध रखती है और वो बड़े टाइम से हमारे घर आती है। मुझे दीदी और मेरे हस्बैंड को भैया कहती है और वो सारा दिन मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़रें रखती है। मतलब उसे हमारे घर की हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ में। उसे मैंने 10 बार अपने घर से भगा दिया पर वो दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो, हाथ जोड़ जोड़ के फिर मेरे घर चली आती है। क्योंकि जब किसी बंदे को किसी से लेना देना नहीं होता और हम किसी को एक बार अपने घर से भगा देते हैं तो वो बार बार बिना किसी मतलब के कोई अपनी बेइज्जती करवाने किसी के घर नहीं आता। पर वो 50 बार खून का घूंट पी के अपनी बेइज्जती करवा के भी बार बार हाथ जोड़ के हमारे घर चली आती है क्योंकि उसे हमारे घर में ब्लैक मैजिक कर रखा है। उसे मेरी ज़िंदगी में, उसे हमारे रिश्ते से बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे और मेरे अंकल के। तो वो सामने मुँह की बड़ी मिठ्ठी बन के कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और कुछ ना कुछ हमारे ऊपर करती रहती थी। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को खाने में मिला के कुछ खिला रखा है, मेरे घर में पता नहीं क्या क्या रख गए थे। क्योंकि मैं एक बार हॉस्पिटलाइज थी तो वो पीछे से मेरे घर में आती थी कि मैं तुम्हारा खाना बना देती हूँ, मैं बच्चों को देख लेती हूँ। तो मैं, अब एक बंदा हॉस्पिटल है और मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ छेड़ दी है, क्या लेके आई है। ऐसे मेरी ननद मेरे घर में ब्लैक मैजिक के लिए एक अपनी बेटी पे करने का नाम करके कि मैं तो अपनी बेटी को गलत चंगुलों से बचाने के लिए किसी मौलवी के पास गई थी और पता नहीं क्या चीज़ लाई और उसे मेरे फ्रिज पे रख दिया। बाद में मुझे समझ आया कि अपनी बेटी का बहाना करके वो हमारे लिए ही वो चीज़ लाई थी और उसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे पहले भी होते रहते थे लेकिन सॉरी गुरु संगत जी, थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मेरे और मेरे अंकल के बीच में पहले भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे पर उस लेडी ने आके
उसने मेरी ननद ने आके जो भी हमारे फ्रिज पे रख के गई कि मैं तो अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। तो जो औरत अपनी पेट जनी अपनी सगी बेटी के ऊपर टोने टोट के और वो कर सकती है, तो उसके लिए भाभी तो चीज ही क्या है। वो पहले दिन से ही हमारे रिश्ते से जलती थी। पता नहीं आज के दुनिया में हम जिस समाज से संबंध रखते हैं, हर लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। हम जैसे हैं, हम अपने भाई भाभी से बहुत प्यार रखते हैं और इंसान को ये होता है कि मेरा मायका सलामत रहे। और दुनिया में मैंने ये पहली औरत देखी है जिसे अपने मायके से या अपने भाभी तो छोड़, वो अपने भाई से भी जलन रखती है। उसे अपने भाई से कंपटीशन करती है वो हर चीज़ का। और उसके बाद उसको खाने में खिला के भर मेरे पति की बुद्धि इन्होंने इतनी भ्रष्ट कर दी, वो प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए खड़ी हो गई, हिस्सा ले गई। मेरी सास उसके साथ मिलके घर में ब्लैक मैजिक करती है और सारा दिन उनको एक एक घर की इंफॉर्मेशन देती है कि मंजू ने मतलब मेरे नाम पे कि मैंने पानी भी पी लिया तो क्यों पी लिया। वो एक एक मिनट की अपनी बेटी को रिपोर्ट देती है। इस तरीके से इन लोगों ने हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि आज मेरा और मेरे अंकल का रिश्ता तलाक की कगार पे आ गया। इसने मेरे बच्चों को भी मिला के पता नहीं खाने में क्या क्या खिला रखा है। पर कोई नहीं, मेरे गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा हर चीज़ का तोड़ आपके पास है, आपकी बेटी आपके सहारे है। मैं तो बिल्कुल दुनिया की हर चीज़ से अनजान। गुरुपा आप मुझे कहते हो कि तू मेरी बड़ी भोली बेटी है, गुरुपा आपको तो पता ही है मेरे जो मन में होता है वही मैं मेरी जबान पे होता है। मैं साफ बात करने वाली बंदी हूँ, बड़ी गुरुजी की बेटी, जो अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मैं मुँह पे कहती हूँ, तो लोग उस बात से जलते हैं। तो कोई नहीं गुरुजी, इन लोगों ने मेरे घर को आज इस कगार पे ला दिया। मैं आज भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के सर से बाप का साया हट गया, वो किसी और के घर को पाल रहा है, किसी और के बच्चों को पाल रहा है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे और वो ये अपने और परायों में फर्क समझे। मैं तो आज भी यही चाहती हूँ कि गुरुजी सच सच का सामना आप उससे करवाना। मेरे अंकल को आप स्वप्न में ये सब सच जिंदगी का दिखाओ कि कौन सही है और कौन गलत, कौन झूठा है और कौन नाटकबाज है, कौन तांत्रिकों के पास जाके टोने करता है और कौन इतना बुरा करने के बाद भी आज भी तुम्हारी जिंदगी को बचाना चाहता है। गुरु जी के मुझे सत्संग आते हैं, बेटी तेरे हस्बैंड पे ये कष्ट है, तेरे ये कष्ट है, तू ये सत्संग इतना बुरा और गलत करने के बाद आज भी मैं वो सत्संग सुन लेती हूँ कि चलो गुरु जी इस कष्ट को टाल दे। पर गुरु जी मैं चाहती हूँ आप उसकी बुद्धि को ठीक करो। वो जिन रास्तों पे चल पड़ा है उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है। अपने पराए में जो दुनिया की मदद करता था, जो उसने अपनी औलाद को बिल्कुल असहाय छोड़ दिया, वो हमें उस हालात में छोड़ के गया था जब हमारे पास घर के राशन तक के पैसे नहीं थे और हमने सिर्फ मेरे गुरुजी ने और सिर्फ गुरुजी ने इस घर को चलाया है। और आज भी मेरे घर के मुखिया गुरुजी हैं जो इस घर को चला रहे हैं। मेरी तो औकात क्या थी, मैं एक दिन उसके घर से बाहर जाने पे परेशान हो जाती थी। और आज 2021 से 24 आ गया, वो घर से गया आया गया आया, 3-4 सालों से यही कहानी चल रही है। माँ माँ की ओढ़ लेके कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ का कुछ नहीं करते, जबकि हम उसकी माँ की रात के 2-2 बजे तक सेवा करते थे। इन लोगों ने सच्चा होने के बाद मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम और इतना वो लगाया, मेरे गुरुपा मैं तो इन चीज़ों की सफाई नहीं दे सकती। जो सही लोग हैं, दुनिया है, वो इन बातों को समझती है। फिर भी मैं चाहती हूँ गुरुपा ये इंसाफ आप करना, आप ये चीज़ें सामने लेके आना। और आपको आप गुरुपा ये चीज़ें सामने लेके आओ और आपको समझ आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। इन चीज़ों का इंसाफ आप करोगे, क्योंकि गुरुपा ज़िंदगी में इन औरतों से मैं तो चंगुल से इनके अपने पति को बाहर नहीं ला सकती। एक नहीं, वो दो औरतें हैं जिनके चंगुल में मेरा पति फंस गया है। एक बहुत सालों से वो अब तक पीछा नहीं छोड़ रही और दूसरी जिसके घर में वो रहने ही चला गया। तो मेरी शादी को 26 साल हो गए, जिंदगी की इस उम्र में आके वो क्या करने जा रहा है। विधाता उसकी सद्बुद्धि आप दो। गुरु जी कहते हैं तेरे पति पे वशीकरण कर रखा है, इस वशीकरण का तोड़ सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मेरे गुरुपा कर सकते हैं। मैं मेरे को दुनिया कहती है इस तांत्रिक के जा, इस पंडित के जा, उस पंडित के जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे गुरु जी हैं ना, मेरे गुरुपा जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी बागडोर दे दी। गुरुपा आपको मेरी ज़िंदगी के लिए जो सही लगता है, आप तो मेरी ज़िंदगी की हर तस्वीर देख रहे हो, आपकी बेटी कहाँ सही है कहाँ गलत है। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, मैं ये झूठ नहीं बोलती कि मेरी लड़ाई हो जाती थी, तो भाभी अपने अंकल को सुना देती थी, क्योंकि एक बंदे का इतना दिल दुखा के तुम सब कुछ गलत करके झूठा इल्ज़ाम बंदे पे लगा रहे हो,
तो बंदा आगे से कुछ तो रिएक्शन देगा, तो मैं भी बोल देती थी। जब ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर था तो मुझे भी गुस्सा आ जाता था, गुस्से में हमारी आपस में बहसबाजी लड़ाई हो जाती थी। मैं भी मानती हूँ मैंने गुस्से में कई बार उल्टा सीधा बोला, जब किसी औरत का दिल इतना दुखाया जाएगा तो बंदा कोई तो रिएक्शन दे गई। तो गुरुपा मेरी सच्चाई, मैं कितनी सच्ची हूँ या कितनी झूठी हूँ आप जानते हो। गुरुपा आप सिर्फ गुरु जी नहीं, शिव नहीं, महाशिव हो, सारी सृष्टि को आप चला रहे हो। गुरुपा आपसे बड़ा ना दुनिया में कोई है ना होगा। मेरे महाशिव के हाथों मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर दे दी। अब आप मुझे जिस रास्ते ले जाओगे मैं वहीं चलूँगी। मुझे इन गलत लोगों के चंगुल से बाहर निकालो। आप तो मैं अलग रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ बाहर। अब हमारा कोर्ट केस शुरू होगा। गुरुपा आप देखो आपने क्या करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी की ये ब्लैक मैजिक, टोने टोटके करने वाले, ये तांत्रिक जिनकी कोई औकात नहीं है, ये लोग क्या ही कर लेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे इतना पता है जहाँ गुरु पा की डोर है ना, ना ये मेरा और मेरे बच्चों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। फिर भी गुरु जी किसी ज़िंदगी की बात पे मेरी कोई गलती हो तो मुझे रास्ता दिखाओ सपने में आके, सत्संग के थ्रू, कि बेटी यहाँ तू गलत है। मैंने तो आपको अपने गुरु पा मान लिया है। आप मेरे घर के पापा सबसे बड़े, उसके बाद मैं और मेरे बच्चे। वो जब वापस आएगा, आएगा उसके लिए जगह आज भी इस घर में पड़ी है। पर सब कुछ छोड़ के, उन गलत लोगों का साथ छोड़ के, आधा जीवन हमने रोने में बिता दिया। बस गुरु पा अब हमें इतनी शक्ति देना, जो भी ज़िंदगी का फैसला लो ऐसा लेना कि अब आंसुओं की ज़िंदगी में कोई जगह ना हो, क्योंकि सबको जीवन एक ही बार मिला है। और रो रो के मैं थक गई, रो रो के थक गई। अब मेरी हिम्मत भी बिल्कुल जवाब दे गई। मैं सिर्फ और सिर्फ आज गुरु जी की वजह से जिंदा हूँ। मुझे जितने जख्म इन लोगों ने दिए, उन्होंने मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। इन लोगों ने मेरी आत्मा तक को घायल कर दिया। गुरुपा इन लोगों को जरा आप वो नज़ारा दिखाओ कि किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी का घर बर्बाद करने, ब्लैक मैजिक मेरे पे, मेरे अंकल पे, मेरे बच्चों पे, सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। नंद ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए और दूसरी औरतों ने इस मेरे अंकल को पाने के लिए। अपने पतियों को छोड़ के तुम दूसरों के पतियों पे दूसरों के घर पे टोने करा रहे हो, दूसरे के हस्बैंड को। गुरुपा मेरे पास इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की डोर, अपना आत्मसमर्पण आपके चरणों में कर दिया। जो आपको सही लगता है आप वो करो। पर गुरुपा आप कहते हो जिसने तेरे साथ बुरा किया तू हर किसी को छोड़ दे, माफ़ कर दे। मैंने गुरुपा मैंने तो छोड़ दिया। माफ़, मैं गुरु जी दिल से झूठ तो नहीं बोलूँगी, आपने कहा मैं चुप हो गई। माफ़ी तो उन लोगों को नहीं, इस जन्म में मैं उन्हें माफ़ तो नहीं कर पाऊंगी, पर मैं अपने गुरु जी की बात टाल भी नहीं सकती, तो मैंने इस बात पे चुप्पी बना ली बिना कुछ कहे। पर गुरुपा मेरी आपसे एक विनती है। आप कहते हो ना कर्मों का फल सबको भोगना है, तो इन्हें इनके कर्मों का फल जरूर देना, और उस बात के साथ देना कि ताकि ये लोग जान पाए कि किसी का घर उजाड़ने का फल क्या होता है। किसी को दर्द देना, इनको वो जिंदगी का दर्द देना, मतलब गुरु पा संगत जी मुझे माफ कीजिए, मेरे सत्संग में आपको बदले की भावना दिख रही होगी, पर कर्मों की गति कि जो इंसान किसी के साथ इतना बुरा करते हैं, और स्पेशली अपने भाई भाभी के परिवार में, ननद तो परिवार का हिस्सा हो जाती है, सास जिसको हम पूरी जिंदगी मम्मी जी करते नहीं थके, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को एक पल साथ नहीं दे सकती। बीमारी में इतनी सेवा करने के बाद भी इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया मैंने, और मेरी नंद कहती है हाँ तो रोटी तो देती है। अब जब एक बंदा बेड पे है, चल नहीं सकता, तो कौन रोटी देता है। पर गुरुजी झूठ का कोई अंत नहीं। मैं आपकी मासूम बेटी, मेरे पास आज अपनी सच्चाइयों का जवाब नहीं है, पर मेरे बदले का हर जवाब आप दोगे। मैं गुरुपा आपके जवाब का पल पल इंतजार कर रही हूँ। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनका इंसाफ आप करोगे, क्योंकि गुरुजी आपकी बेटी इंसानी रूप में है, इंसान है। मैं गुरुजी की बात सुन के माफ इग्नोर कर दूंगी इन चीज़ों को, पर इतना गलत करने की दुनिया में माफी नहीं है। इन्होंने मेरी आत्मा तक को तार तार कर दिया। पर इससे, इन सबसे ज्यादा सास नंद, बाहर वाली औरत एक दूसरी, इन ये सब तो मेरे सास नंद भी चलो पति के बाद वाले रिश्ते हो गए, ठीक है,
और जो बाहर की औरतें हैं उनसे तो लेना देना ही किया। पर गुरुजी इन लोगों ने ना अंत कर दिया, अंत। इन्होंने जिंदगी की कोई वो मतलब करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं कहती हूँ गुरुपा, एक बार जितना दुख मैंने सहा है ना जिंदगी में, आप एक बार ऐसा वक्त ले आओ कि इन्हें इन्हें ये चीज दिखाई दे, इन्हें समझ आए, कि इनको ये एहसास करा देना कि कर्मों की गति से इंसान कोई नहीं बचा। गलत का फल हमेशा ही गलत है। गलत का फल तो 7 तालों में भी गलत है, क्योंकि मेरे महाशिव तो सब कुछ देखने हैं, किन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, किसके थ्रू लाए हैं, कोई राखी के धागों में ब्लैक मैजिक का वो करवा के, कोई चुनरी में बांध के। मेरे को तो गुरु जी के सत्संग में आता है कि इन्होंने तेरे घर पे ऐसा तगड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे बच्चों तक को खिला रखा है, मेरे हस्बैंड को, मतलब वो हमारा घर नहीं बसने देखना चाहे। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे बेटे का घर बसते नहीं देखना चाहेगी? पर मेरी सास ने मेरे पति को कभी पाला नहीं है, उसकी दादी ने पाला है, पैदा होते ही दे दिया था। तो शायद बस उसे ये है कि बेटा करने के लिए, ममता नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि जो माँ होती है, आज मैं भी किसी की माँ हूँ, अगर कोई माँ होती है तो वो ये कहती है भाई मेरे से बात करे ना करे, कुछ छोटी मोटी घर में बातें हो जाती है, पर मेरे बच्चों का घर। माँ कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, माँ कभी ये नहीं चाहती कि इनका घर टूट जाए। ये मैंने जिंदगी की पहली माँ देखी है जो मेरे हस्बैंड को साथ ले गई, और उसके बाद वो कहती थी आता तो है, मैंने कहा कैसे, 10 मिनट के लिए। तो जो बंदा पल पल जिंदगी में साथ रहा हो और वो ऐसे हो जाए कि बस वो दुनिया में है, या मैं हूँ या वो है, या है ही नहीं हम दोनों में से कोई, इतना हमारा कोई फोन का रिश्ता, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह से ब्लॉक, सिर्फ किस लिए? सिर्फ इनके कर्मों की वजह से। उस आदमी को वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने 26 साल जीवन के, मैंने गरीबी से जिंदगी शुरू करके आज उसने मेरा घर बसा दिया, घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ। औरत के सहयोग के बिना आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता। पल पल मैंने मेहनत की, उसके बाद मुझे इतना मेरे हस्बैंड ने सुनाया, अंकल ने, हस्बैंड अंकल ने, कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी मैं आपके चरणों में, आपकी बेटी, मतलब दिन त्योहार आते हैं तो बड़े मेरे मन से आंसू निकलते हैं, आंखों से। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी आप एक बार अपनी बेटी के लिए इंसाफ करो। मैं आज भी आपके इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ कि गुरुजी सब कुछ करेंगे। गुरुजी हैं जो ये जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। गुरुजी मेरा विश्वास, आप कहते हो ना तू आज भी मेरे पे शक करती है, मैंने गुरुजी आत्मसमर्पण कर रखा है, क्योंकि इतनी डेटें देने के बाद मेरी जिंदगी में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मैं आपके समय, आप कहते हो बेटी तेरे कर्म काटने, मैं गुरुपा आपके कर्म कटने, मैं अपने कर्मों के कटने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पिछले कर्म बड़े सख्त थे, गुरुजी कहते हैं उनको कटने में वक्त लग रहा है, जब तक ये पूरे कटेंगे नहीं फिर जिंदगी में परेशानी आती रहेगी। कोई नहीं गुरुजी, मेरे आप कर्म काट दो, जितना वक्त लग रहा है आप लो। आपकी बेटी को हिम्मत देने वाले आप ही तो हो। आपकी बेटी उन कर्मों के कटने का इंतजार कर रही है, पल पल इंतजार कर रही है कब वो कर्म कटेंगे, कब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। इन सब के साथ गुरु पर मैं आपके चरणों में अरदास ला के मेरे बच्चों को सुखी रखो। इन ब्लैक मैजिक, ये जो इन लोगों ने कर रखा है, जो ये सब प्रॉपर्टी छीनना, पति को छीनना, इन सब चीज़ों का मेरे बच्चों की ज़िंदगी पे असर ना पड़े। मेरे बच्चों को हमेशा बीमारी परेशानियों से बचा के, उनके काम में बरकत देखें, उन्हें हमेशा खुश रखो। गुरुपा जिंदगी आज ख़त्म नहीं होती, जिंदगी में ये वक्त भी टल जाएगा, पर जो वक्त बीत गया वो बातें कभी नहीं जाएंगी। बस गुरुपा आप अपनी बेटी को, मैं आपके चरणों में लेट के करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए आपने मुझे सबर बख्श दिया। मैं सबर करके बैठी हूँ, गुरुपा मेरे कर्म काटेंगे और हमारी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। अब गुरुपा 4 साल हो गए हमें खुशी शब्द सुने हम थक गए। खुशी शब्द क्या होता है? इस शब्द ने हमारे कान तरस गए। पर कोई नहीं, आप हो ना, आप करोगे हर चीज का इंसाफ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे पे, आपने अपनी बेटी को अपनी शरण में रखा है तो मैं जिंदा हूं, वरना मारने वालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत
जिस इंसान ने 26 साल पल पल मेरे साथ काटे और उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया कि मेरी आत्मा पे से भी आंसू निकल। गुरु आप इंसाफ करोगे, आपकी बेटी पल पल आपके